एक बार की बात है, एक बिल्डिंग में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। उन्हीं की तरह उस बिल्डिंग में बहुत सारे परिवार रहा करते थे। वे सब बहुत अमीर थे। इस वजह से दो चोरों की नजर उस बिल्डिंग में रह रहे लोगों पर थी। मुन्ना, बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते। ये लॉकडाउन की वजह से ये लोग अपना घर खाली छोड़कर कहीं जाने को तैयार ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धंधा तो चौपट ही हो जाएगा। अगर सब लोग अपने अपने घरों में ही रहेंगे तो हम चोरी कैसे करेंगे? तुम सही कहते हो मोंटी भाई। ये कोरोना वायरस के चक्कर में कोई अपने रिश्तेदार के घर जाने को तैयार ही नहीं है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चलो हम इस बिल्डिंग की छत पर जाकर देखते हैं। क्या पता हमें वहां कुछ कीमती सामान पड़ा हुआ मिल जाए। फिर वे दोनों अंधेरा होने का इंतजार करते हैं और मौका देखकर बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पुराना टीवी और कंप्यूटर पड़ा हुआ मिलता है। वे उस सामान को बोरे में भरना शुरू कर देते हैं। अजी सुनिए, अंधेरा हो गया है। मैं छत से कपड़े उतारने जा रही हूँ, फिर वापस आकर खाना बनाती हूँ। फिर अनीता छत की ओर जाती है। अनीता की आहट सुनकर वे दोनों चोर टंकी के पीछे छिप जाते हैं। अनीता छत पर पहुंचकर कपड़े उतारने लगती है। अरे मर गए मोंटी भाई, ये औरत कहां से आ गई? अगर इसने हमें देख लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। अरे मुन्ना भाई डरो नहीं, हमारी तो लॉटरी लग गई है। जरा उस औरत के गले में पड़ी चेन की तरफ तो देखो, कम से कम 1 लाख रुपए की होगी। चलो इसी को लूट लेते हैं और यहाँ से भाग जाएंगे, हैं? फिर वे दोनों चोर अनीता को पकड़ लेते हैं। कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे आ गए? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कोई है, मेरी मदद करो। फिर छीना झपटी में वे लोग अनीता को धक्का दे देते हैं और अनीता का सिर छत पर पड़ी ईंट से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। छत खून से भर जाता है। अरे मोंटी भाई ये क्या हो गया? इसका तो सर फट गया, इसका तो बहुत खून बह रहा है। अरे भाई जरा इसकी नब्ज तो देख, कहीं ये मर तो नहीं गई। अरे भाई मोंटी ये तो मर गई, अब क्या करें? एक काम करते हैं, ये खून साफ करके इसकी लाश को इस पानी की टंकी में छुपा देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बहुत देर हो गई, अनीता अभी तक आई क्यों नहीं? फिर रोहन भी छत पर जाता है लेकिन उसे अनीता का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लगता है अपनी सहेली के घर चली गई होगी। फिर अगले दिन उसी बिल्डिंग में रह रहे पप्पू भाई बाथरूम में नहाने जाते हैं। वो जैसे ही नल को खोलते हैं उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। पप्पू कान लगाकर आवाजें सुनने लगता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। अरे ई का है भाई, ई नल में से कैसी कैसी आवाज आ रही है भाई? दोनों भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है ना भाई? मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, आज रहने देता हूँ, कल नहा लूंगा। तभी उसे जाता देख उस नल से एक चुड़ैल का हाथ बाहर निकलता है और पप्पू की गर्दन पकड़ लेता है। आई मम्मी, ई का चीज है भाई। अरे मर गया, अरे ये कमबख्त किसका हाथ है? अरे छोड़ 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 मुझे, अरे छोड़। फिर जैसे तैसे पप्पू उस हाथ से खुद को छुड़वाता है और बाथरूम से भाग जाता है। हाय हाय हाय, बाल बाल बच गया। लेकिन ये क्या चीज थी भाई? नल में से हाथ कैसे बाहर आ सकता है? अजी ये क्या बड़बड़ा रहे हो? लॉकडाउन का सदमा तो नहीं लग गया जी आपको? ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? भला पानी के नल से किसी का हाथ कैसे निकल सकता है? अरे प्रियतम मेरी, मेरा विश्वास करो, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। यहाँ जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। अजी मैं इन भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती। आइए मेरे साथ, मैं अभी देखती हूँ कौन सा भूत है बाथरूम में। फिर वे दोनों बाथरूम में जाते हैं और विमला नल चालू करती है।
नल चालू करते ही उसमें से पानी की जगह खून बहने लगता है। अरे मर गए रे, देखो भगवान, मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ जरूर कोई भूत प्रेत का साया है। देखो देखो, पानी की जगह कैसे खून बह रहा है। इस नल से अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। फिर विमला नल के पास कान लगा कर देखती है। मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। विमला कान लगाकर ये आवाजें सुन ही रही होती है, तभी उस चुड़ैल का हाथ नल से निकलता है और विमला की गर्दन पकड़ लेता है। अरे अरे मर गई रे, इस कमबख्त ने तो मेरी गर्दन ही पकड़ ली। अजी कुछ कीजिए ना, मुझे बचाइए, मर गई रे। फिर पप्पू विमला को अपनी ओर खींचने लगता है और जैसे तैसे उस हाथ से अपनी जान बचाकर वो वहां से भाग जाते हैं और भागकर अपनी बिल्डिंग की लॉबी में पहुंच जाते हैं। वहां बिल्डिंग के कुछ लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। वे सब लोग भी डरे सहमे हुए होते हैं। अरे भाई, हमारे बाथरूम में जरूर कोई भूत है, मैं तो बाल बाल बचा हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो भाई, हमारे बाथरूम में भी कोई भूत है, उसने हम दोनों पर हमला कर दिया था, हम दोनों किसी तरह अपनी जान बचा कर आए हैं। उन सब की बातें रोहन सुन रहा होता है। अरे ये लोग कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, इन्हें क्या हो गया? अरे पप्पू जी, हमारे बाथरूम के नल से खून निकल रहा है, क्या आपके नल से भी खून आ रहा है क्या? ओ भाई, हमारे नल से भी खून बह रहा है, मुझे लगता है हमें छत पर पड़ी टंकी को खोलकर देखना चाहिए कि क्या गड़बड़ है। फिर वे सब लोग छत पर जाते हैं। छत पर उन्हें बहुत तेज बदबू आ रही होती है। अरे भाई, ये इतनी बदबू कैसे आ रही है भाई? अरे शर्मा जी, जरा टंकी खोल कर तो देखिए क्या गड़बड़ है। फिर शर्मा जी जैसे ही टंकी को खोल कर देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस पानी की टंकी में एक चुड़ैल बैठी होती है। अरे अरे मर गए रे, अरे पप्पू भाई, इसमें तो एक चुड़ैल बैठी हुई है। तो नास मिटे ढक्कन खोल कर क्यों खड़ा है, जल्दी से ढक्कन बंद क्यों नहीं करता? अरे अगर वो चुड़ैल बाहर निकल गई तो हमारी शामत आ जाएगी। फिर शर्मा जी जल्दी से ढक्कन को बंद कर देते हैं, लेकिन उस चुड़ैल का एक हाथ बाहर रह जाता है। ए शर्मा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू वही है ना जो 208 नंबर मकान में रहता है, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे 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 मर गए रे पप्पू भाई, ये मेरा मकान नंबर भी जानती है, अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आखिर ये कमबख्त चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई और ये मुझे कैसे जानती है भाई? तभी रोहन की नजर उस चुड़ैल के हाथ में डली हुई उस अंगूठी पर पड़ती है। अरे ये अंगूठी तो अनीता ने पहनी हुई थी, कहीं ये अनीता तो नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर रोहन टंकी के पास जाता है और टंकी खोलने लगता है। अरे नास मिटे, ये क्या कर रहा है, उस चुड़ैल को आजाद करवाना चाहता है क्या? फिर रोहन जैसे ही टंकी का ढक्कन खोलता है, उसमें से अनीता बाहर निकलती है जो अब मर चुकी होती है। उस चुड़ैल को देखकर सबकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। अरे अनीता, अनीता, ये तुम्हें क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर रोहन को रोता देख अनीता भी उदास हो जाती है। ये कैसे हुआ अनीता, तुम तो छत पर कपड़े उतारने आई थी ना, फिर तुम्हारे साथ ये सब क्या हो गया? फिर अनीता उन्हें पूरी बात बताती है। ये सब तो बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। अनीता, मैं तुम्हारे कातिलों को उनके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन तुम इस बिल्डिंग के लोगों को परेशान मत करो, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। फिर अनीता रोहन की बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। रोहन भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। वो देखो, वो सीसीटीवी कैमरा है, उसकी मदद से पुलिस उन कातिलों को ढूंढ कर उन्हें जरूर सजा देगी। फिर कुछ ही दिनों में पुलिस उस सीसीटीवी की फुटेज की मदद से उन चोरों को पकड़कर
उन्हें उनके किए की सजा देती है।